अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं तीन कामों के बारे में। ये तीन काम किसी भी मुसलमान को नहीं करने चाहिए। ये तीन काम इतनी गरीबी लाते हैं, इतनी बर्बादी लाते हैं कि अगर आप सारा साल भी कमाते हैं फिर भी आपके पैसों में बरकत नहीं होगी। तो तीन काम कौन से हैं, आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। और इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि एक मुट्ठी चावल के दानों पर करने वाला अमल। और साथ ही साथ प्यारे दोस्तों, हजरत अली ने फरमाया कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती है। बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें और हो सके तो इस वीडियो को अपने करीबी दोस्तों में जरूर शेयर करें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक मुट्ठी चावल के दानों पर करने वाला अमल। आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक मुट्ठी चावल के दाने आपको अपने हाथ में ले लेने हैं और अल्लाह समद पढ़ना है। आप दिन में किसी भी वक्त पढ़ सकते हैं। जब भी आप वजू करें, आपको ये अमल बावजू होकर करना है। अल्लाह समद चावल के दानों पर पड़े 10 दिनों का ये अमल है। 10 दिनों में आप सारे चावल के दानों पर एक एक करके अल्लाह समद पढ़ ले। एक चावल का दाना ले, उस पर अल्लाह समद पढ़े। उसी तरह दूसरा दाना ले, उस पर भी अल्लाह समद पढ़े। फिर तीसरा दाना ले, उस पर भी अल्लाह समद पढ़े। इसी तरह एक मुट्ठी चावल के दानों पर ये अमल कर ले। आप चाहें तो एक दिन में भी ये सारे दानों पर पढ़ सकते हैं, 2 दिन में भी पढ़ सकते हैं, या 10 दिन में भी आप पढ़ सकते हैं। लेकिन ये अमल आपका 10 दिन में मुकम्मल होगा। ये अमल मुकम्मल होने के बाद आप उन चावल के दानों को जहां पर झाड़ियां वगैरह हुआ करती हैं वहां डाल दे, या फिर आप अपनी छत पर भी डाल सकते हैं, या फिर छोटे मोटे जंगल में जहाँ परिंदे आते हैं वहाँ पर भी आप इन चावल के दानों को डाल सकते हैं। प्यारे दोस्तों, इस अमल के बहुत ही ज्यादा फायदे हैं। अल्लाह की बहुत सारी मखलूकात है, छोटी छोटी मखलूकात है जो हमें नजर भी नहीं आती। ये भूखे और प्यासे अपने लिए रिस्क की दुआएं मांग रहे होते हैं, और जब ये आपके डाले हुए चावल खाएंगे तो अल्लाह पाक से दुआएं करेंगे। जब ये कीड़े मकोड़े आपका भेजा हुआ सदका खाएंगे तो अल्लाह पाक से फरियाद करेंगे, और उसके बाद आप अपनी जो भी हाजत होगी, जो भी परेशानी होगी, अगर आप माली हवाले से परेशान है, जॉब का मसला है, कारोबार का मसला है, बेटी की शादी का मसला है, आप ये अमल करें, अल्लाह पाक आपको हर परेशानी से निकाल देगा इंशाल्लाह। प्यारे दोस्तों, अब हम बात करते हैं तीन काम जो किसी भी मुसलमान को नहीं करने चाहिए। तो वो तीन काम बर्बादी ले आएंगे, गरीबी ले आएंगे। उसके बाद हम आपको बताएंगे कि हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मौत के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती है। एक मरतबा हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु मिंबर पर बैठकर लोगों को दरस इखलाक दे रहे थे। इतने में हजरत अली फरमाने लगे, ऐ लोगो, तीन काम ऐसे हैं जिनको करने से घर का रिस्क खत्म हो जाता है, मुफलिसी इंसान की जिंदगी में आ जाती है। लोगों ने पूछा, या अली, वो तीन काम कौन से हैं? तो हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, पहला काम घर में बीवी और मियाँ का लड़ना है। ऐ लोगों, जिस घर में मियाँ और बीवी आपस में झगड़ते हैं तो अल्लाह की रहमत और बरकत उस घर में दाखिल नहीं होती और यूं उस घर का रिस्क खत्म होने लगता है। और दूसरा काम, जिस घर में सुबह होने के बाद भी देर देर तक सूरज निकलने तक सोते रहने से हमारे घरों से रहमत और बरकत और सुकून चला जाता है, और रहमत बरकत और सुकून के फरिश्ते उस घर से दूर रहते हैं और वो तंगदस्ती और परेशानी में गिरफ्तार होने लगते हैं। और तीसरा काम ये है कि जो लोग अपने रिश्तेदारों की इज्जत नहीं करते, उनका हक अदा नहीं करते और दूसरे लोगों की गीबत करते हैं, तो ये वो बदतरीन अमल है जिससे अल्लाह के वो फरिश्ते जो आसमान से अल्लाह का नूर और बरकत लेकर जमीन पर फिरते रहते हैं, वो उस घर की तरफ रुख नहीं करते और यूं वो घर परेशानियों में गिरफ्तार हो जाता है। तो
तो प्यारे दोस्तों, अब हम आपको बताते हैं कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती है। एक मर्तबा एक शख्स हजरत अली रजी अल्लाह ताला अनहु की खिदमत में आया और दस्ते अदब को जोड़कर अर्ज करने लगा, या अली, मेरा एक सवाल है कि मौत के वक्त इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रहती है। बस उस शख्स का ये कहना था तो हजरत अली ने फरमाया, ऐ अल्लाह के बंदे, याद रखना लोहे महफूज पर इंसान की जिंदगी, धड़कन और जो इंसान सांस लेता है उसके तहत लिखी होती है कि कौन कितनी मर्तबा सांस लेगा, कितनी मर्तबा उसका दिल धड़केगा। जब मौत के वक्त फरिश्ता मौत उस इंसान के पास आता है, रूह कब्ज करता है, तो उस वक्त कुछ इंसान आंखें खोलकर मुस्कुराते हैं तो कुछ इंसान मौत के डर से घबराने लगते हैं। इंसान मलकुल मौत को देखता ही रहता है कि इतनी देर में जितनी धड़कने और जितनी सांसें उसकी लिखी हुई होती हैं और वो पूरी हो जाती हैं, और यूं उस इंसान की आंखें खुली की खुली रह जाती है क्योंकि वो इंसान मलकुल मौत को देखता ही रहता है और इतनी ही देर में रूह कब्ज हो जाती है। तो प्यारे दोस्तों, वही ये वजूहात है कि मरने के बाद इंसान की आंखें खुली की खुली क्यों रह जाती है। प्यारे दोस्तों, अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हम सबको कहने और सुनने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन या रब्बुल आलमीन। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल तरीका सुन्नत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करके साथ में लगे बेल आइकन को जरूर दबा दे। हम मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अस्सलामुअलैकुम, अल्लाह हाफिज।